नमस्कार, मैं आरती रजक, आपका स्वागत है टीवी 100 नेशनल में। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम जानेंगे कि किस में करें निवेश और कैसे कमाएं अच्छा मुनाफा। हम किस में निवेश करें अगले साल तक कि हमें अच्छा मुनाफा हो और हमारे घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो। तो इसके लिए हम जुड़ेंगे अपनी एक खास गेस्ट शीतल मैम से और जानेंगे इस खास निवेश के बारे में कि दिवाली में किस में करें निवेश। तो आइए जानते हैं शीतल मैम से कुछ खास। हेलो, गुड आफ्टरनून। हैप्पी दिवाली टू ऑल। मैम कैसे हैं? मैम आई एम गुड। तो मैम, आज हमने अपने दर्शकों को ये कहा कि हम अगले साल तक इसमें करें निवेश क्योंकि दिवाली का शुभ अवसर है। तो इस हमें कुछ खास बताएं निवेश के बारे में कि हम किसमें करें निवेश और किससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और कैसा रहेगा साल, हमें ये खास बताएं आप। यस, एज ए न्यूमरोलॉजी आपको हमेशा पता है कि मेरी काफी सारी स्टडी ऑलरेडी हो चुकी होती है क्योंकि काफी सारे व्यूवर्स को क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं। तो यस, आई एम रेडी फॉर अगला 2022 तक आपका सफर कैसे रहेगा, मतलब अगले दिवाली तक। हमारे इंडिया में हमारा नया साल शुरू हो जाता है पाड़वे से और यस वही से हम लोगों की नए साल की शुरुआत हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हर नंबर के हिसाब से इस साल काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आप बोल सकते हो, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी भरा ये साल रहेगा हर नंबर के लिए। बस हाँ, उसे ग्रैब करने के लिए आपका नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर अगर ठीक हो और आपके नक्षत्र अगर आपको साथ दे रहे हैं तो हर अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है ग्रैब ऑल अपॉर्चुनिटी, फिर वो स्टॉक मार्केट में होने दीजिए, आपके करियर में होने दीजिए, बिजनेस में होने दीजिए, जॉब में होने दीजिए। जब तक आप उसे ग्रैब नहीं करोगे तो आपको मिलने वाली नहीं है। तो ये फंडा इस दिवाली डेफिनेटली आप लगा लीजिए कि हर अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है, भले ही टाइम लगता हो, भले ही उसमें हमें दिख रहा है कि कोई खास चीज नहीं मिलने वाली है, फिर भी डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी क्योंकि हर नंबर के लिए ये साल बड़ा ही अपॉर्चुनिटी भरा होने वाला है। तो मतलब कि एक नंबर के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि कौन सा नंबर किसके लिए लकी है, किस नंबर के अकॉर्डिंग वो निवेश करें। तो इसके बारे में हमें बताएं कुछ खास कि जिससे हमारे जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं वो भी जाने कि क्या खास है, कौन सा नंबर हमारे लिए लकी होगा। यस, इस दिवाली डेफिनेटली आने वाले साल के लिए जिनकी बर्थडे डे 1, 10, 19 और 28, 1, 10, 19 एंड 28 जिनकी बर्थडे डे हर महीने की, तो यस उनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने बोला कि हर नंबर के लिए होने वाला है। बट हाँ, कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ कि आपको गुस्से पे थोड़ा सा काबू करना पड़ने वाला है। गुस्सा आपको ये साल बहुत आने वाला है, लीडरशिप क्वालिटी आप में कुट कुट के भरी हुई है। जब आप लीडर बनते हो तो आपको काम एंड कूल रहना पड़ता है, फिर वो स्टॉक मार्केट में भी आप काम कर रहे हो तो बहुत कामली आपको काम करना पड़ेगा, बहुत सोच विचार करके, नॉलेज लेके, फंडामेंटल टेक्निकल सारी स्टडी करके, जैसे कि टीवी 18 हो गया कि हर बार हमें सतर्क करते रहते हैं, स्टॉक के बारे में हमें नॉलेज देते रहते हैं। तो यस, जब आप उन्हें फॉलो करोगे, हर एक्सपर्ट की राय लोगे, उसके बाद में जब आप एंटर करोगे तो यस आपके लिए स्टॉक ट्रेडिंग में यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा संभल के कर लो, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी रहेगा। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर्स आपके लिए पूरे साल में पैसे बनाने की ब्राइट अपॉर्चुनिटीज बनाएगा, रोमांस के चक्कर में मत जाइए, फिर वो प्यार स्टॉक के लिए होने दीजिए या फिर ओवरऑल सारे इसमें होने दीजिए। ये बोल सकते हैं कि घाटा हो जाएगा प्यार के चक्कर में। एग्जैक्टली, हम लोग इसे बोल सकते हैं कि यस घाटा हो सकता है, तो डेफिनेटली प्यार से थोड़ा सा बचे, फिर वो आपके लाइफ में रिलेशनशिप में होने दीजिए, फिर वो आपके लाइफ में स्टॉक मार्केट के लिए होने दीजिए। कोई भी चीज जो करनी है ना, सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे बताए तो कोई भी चीज करनी है ना तो बहुत सोच समझ के करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए साल बहुत अमेजिंग रहने वाला है। ये जो आप बताई वो 1, 10, 19 और 28, 1, 10, 19 एंड 28। ओके मैम, ये उनके लिए। तो मैम जैसे ये 1, 10 आपने बताया ना, और जो अगर मान लो कि किसी का 3, 10 है, किसी का मतलब कि 3, 4 है। यस आरती, हम लोग हर नंबर के लिए जाने वाले हैं, डोंट वरी, 1 से लेके 9 नंबर तक हम लोग जाने वाले हैं।
अगला नंबर है 2, 11, 20 और 29, 2, 11, 20 एंड 29। देखिए हर नंबर की टोटल करोगे आप, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, देन 22 आ गया, 29, 2 + 9 11 आ गया, 1 + 1 आप करोगे तो अगेन 2 आ गया। तो इस तरीके से हमें, हम लोग आज सिर्फ मूलांक के लिए देख रहे हैं, हम लोग ड्राइवर नंबर के लिए देख रहे हैं, हम लोग कंडक्टर नंबर के लिए डीपली बाद में देखेंगे, आज हम लोग ड्राइवर नंबर के हिसाब से अगला साल कैसे रहेगा। तो यस डेफिनेटली काम बढ़ेगा, बट उतनी ही चिड़चिड़ भी आपकी होने वाली है, तो यस उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। देखिए बहुत जरूरी होता है पेशेंस, बहुत जरूरी होते हैं, फिर वो स्टॉक मार्केट होने दीजिए, ओवरऑल लाइफ स्ट्रक्चर आपका होने दीजिए, ये रूल अगर आप गार्ड बांध लेते हो तो अगले दिवाली तक आपका सफर अमेजिंग रहने वाला है। आपको ये साल सेविंग जरूरी है, बहुत बार हम लोग देखते हैं ना पैसे तो आ रहे हैं आपके अकाउंट में बट हम लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो 2 नंबर के लिए स्पेशली सेविंग बहुत जरूरी रहेगा। कम्युनिकेशंस एंड ट्रैवल सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पूरे साल में अगर आप कम्युनिकेशंस और ट्रैवल सेक्टर्स में काम करोगे तो पैसे बनाने के मौके आपको डेफिनेटली मिलेंगे। हर एक के लिए मेरी सलाह रहती है कि नॉलेज लेके जाइए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, खुद जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। सोच समझ के तो करना ही चाहिए निवेश, ये नहीं कि उठे और कर दिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उसके लिए भी हर चीज को जानना जरूरी है कि हम किस में कैसे करें निवेश, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत जरूरी है जानना। तो मैम जैसे आपने बताया 1 + 1 2 हुआ, फिर आपने और सारे नंबर्स जो बताए आपने, तो मैम जैसे मान लो कि किसी का 4 है तो उनका क्या होगा मैम? करके आरती हम लोग देखते हैं, अगला नंबर हम लोग देखते हैं 3, 12, 21 और 30। देखिए 1 + 2 अगेन 3 आ गया, 2 + 1 अगेन 3 आ गया, एंड 30 अगेन 3 आ गया। तो यस आपकी बर्थ डेट मुझे याद से बता देना आरती कि आपकी बर्थ डेट क्या है। सो 3, 12, 21 और 30 जिनकी बर्थ डेट है उनके लिए मैं स्पेशली बताऊंगी कि यस दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है, तो रेडी रहिए खर्चे के लिए। काम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि जितना आप टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करोगे तो बिजनेस की तरफ या स्टॉक मार्केट की तरफ आपका ध्यान कम हो सकता है, तो वैसे मत करिए क्योंकि आपके लिए अगला साल अमेजिंग है। आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट के साथ आपके प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट होगा, गोल्ड में भी होगा और स्टॉक में भी होगा। यस एंटरटेनमेंट सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाले पूरे साल में, अगर एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3, 12, 21, 30 के लिए अमेजिंग ईयर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। 3, 12, 21 मैम आपने ये तो 3 का बता दिया कि इसमें 3 वालों के लिए ये चीज अच्छा है, तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे 4 के लिए कि 4 नंबर्स के लिए क्या करना होगा। 4, 13 एंड 22, 31 जिनकी बर्थ डेट है, देखिए अगेन 3 + 1 4। मैम एक बार नंबर रिपीट कीजिएगा मुझे। 4, 13, 22 एंड 31 ओके मैम, तो जैसे ये 4 नंबर है तो इनके बारे में बताए कि ये क्या क्या करे कि इनके लिए अच्छा और ये मतलब कि अच्छा मुनाफा कमा सके ये भी। यस इन नंबर के लिए मतलब नंबर 4 के लिए थोड़ी मेहनत 2022 तक हमें ज्यादा करनी पड़ने वाली है, मतलब जैसे 3 नंबर के लिए हम लोग सब जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे 4 के लिए नहीं होगा। फाइनेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपकी हो सकती है, तो डेफिनेटली जब भी आपको किसी चीज में फाइनेंशियली डिसीजंस लेना है तो अपने बड़ों की राय लेना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपके लिए अगला साल फाइनेंशियल और बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, छोटी मोटी परेशानियां आपको आने वाली है, बट हाँ हम लोग उसे बोलते हैं ना, मैं 4 नंबर के लिए स्पेशली एक स्लोगन यहाँ पे देना चाहूंगी कि डटे रहे अपने सॉल्यूशन पे, अपने डिसीजन पे, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग गिव अप कर देते हैं, और स्पेशली अगर 4 नंबर का नेचर है यही है कि एंड तक आ जाते हैं हम लोग, और वहां पे जैसे ही आते हैं हम लोग वहां से गिव अप करना शुरू कर देते हैं, तो वैसे डेफिनेटली मत करिए। इन्वेस्टमेंट आपके लिए गोल्ड और सिल्वर ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो फाइनेंशियल सेक्टर्स अच्छा रहेगा,
यस डेफिनेटली, रिश्तों में बहुत अच्छे से मिठास आपके होने वाली है। जो भी 2021 में छोटे मोटे मनमुटाव हुए थे वो मैं इस बार आपके दूर होते हुए देख रही हूँ। जी, तो मतलब एक खास बात है कि रिश्तों में मिठास आ जाएंगे, वो जरूरी है लाइफ के लिए, वो बहुत जरूरी है कि रिश्तों में मिठास हो, और इन नंबर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा। जी मैम, यस ये हो गया 4, 13, 22 एंड 31। जी अब मैम, अगला मुझे नंबर ले लो आरती, 5, 14 एंड 23 एंड 23। जी ओके मैम, तो अब इसके बारे में बताएं कि इन्हें क्या क्या इनके लिए अच्छा है। इनका बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है आरती, और ये सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा कंसंट्रेट कर लेते हैं, मतलब ये उसकी तह तक नहीं जाते। अगर हमने बोल दिया कि आज लाइव मार्केट जब होगा, जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, तो टाटा स्टील आप खरीद लो, तो ये टाटा स्टील ब्लाइंडली खरीद लेंगे। दैट इज कॉल्ड सुनी सुनाई बातों पे। बट अगर समझ 2022 तक अगर अपना आपको यस जी, ये अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, बस जो कह दिया गया वो कर लेंगे। ये तो वो अवॉइड करना है 2022 तक। ट्रैवल के मौके इन लोगों को बहुत अच्छे से मिलेंगे, पैसा भी अगले साल तक बहुत अच्छा मिलेगा। रियल एस्टेट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट में फायदा तो नंबर 5 के लिए ऑलवेज रेडी होता है। बट यही हम लोग एक और सलाह यहाँ पे दे रहे हैं आरती, की सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज लीजिए, फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होते हुए आप लोग देखोगे। तो जी, आपने ये बता दिया कि 5, 14 और 23 ये नंबर सुनी सुनाई बातों पर निवेश ना करें, खुद का भी दिमाग यूज करें और उसमें निवेश करें, और इनके लिए रियल एस्टेट काफी अच्छा रहेगा स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। जी यस सर, जी मैम, ये तो चलो 5 नंबर कंप्लीट हो गए हमारे। अब 6 नंबर पे बात करते हैं कि 6 का क्या है मैम। 6, 15 एंड 24 बहुत अच्छा नंबर है। 2022 की टोटल भी अगर आप देखोगे तो 6 आ रहा है, तो यस इनके लिए अपॉर्चुनिटी भरा वीक पूरा साल रहेगा। ड्रीम कम ट्रू ईयर इनके लिए हो सकता है। लेन देन ज्यादा होगा, बट जब आप देने वाले हो, या तो आप किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो, फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सतर्क होके करना होगा, क्योंकि लेन देन से घाटा हो सकता है। तो यस, प्यार में पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। फिर वो स्टॉक होने दीजिए या फिर आपकी रियल लाइफ में होने दीजिए। तो यस डेफिनेटली आप स्टॉक के प्यार में भी पड़ सकते हो, रियल लाइफ में भी पड़ सकते हो। आपका जो भी दिक्कतें पिछले साल से चल रही थी तो वो खत्म होते हुए मैं देखूंगी। और यस डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर्स और यस गिफ्ट आर्टिकल्स के जो स्टॉक्स है वो 6, 15 एंड 24 के लिए अगले साल तक पैसे बनाने का बहुत अच्छा ब्राइट चांस दिख रहा है। सीमेंट सेक्टर एंड गिफ्ट आर्टिकल, जैसे कि अर्चीज हो गया, उस टाइप के कुछ स्टॉक्स आपको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। जी मैम, तो इन नंबर के लिए हो गया 6, 15 एंड 24 वाले सतर्क रहें, लेन देन ज्यादा ना करें जिससे आपको नुकसान हो। और चलिए मैम, आगे जानते हैं 7 नंबर के बारे में। यस नंबर 7, 16 एंड 25 जिनकी भी बर्थडेट है, हर महीने के किसी भी मंथ में जब आपकी ये बर्थडेट आती है, तो यस ये साल आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत भरा रहेगा। उसे हम लोग बोल सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस आएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस आपको लग रहे हैं। फिर स्टॉक आपने खरीद लिया तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगी। आपको लग रहा है ना कि आपको कोई भी अच्छा स्टॉक दिख रहा है, रिलायंस आपको दिख रहा है, और यहाँ से आपको खरीदने की आप जब कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा रुक जाइए। वहां से जहां पे आप सोच रहे हो ना, वहां से थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा, और तब जब आप उसे खरीदोगे ना, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यस ट्रैवल के मौके आपके भी लाइफ में बनने वाले हैं, फॉरेन रूट के चांसेस ब्राइट है, और यस स्टॉक वहां पे अगर मैं सलाह दू तो डेफिनेटली फाइनेंस स्टॉक नंबर 7, 16 एंड 25 के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। रिश्तों में मिठास आपके भी बने रहने वाली है। 32 में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर डिसीजन लेते
तो डेफिनेटली आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर, और 16 और 25 नंबर के लिए यह है कि उन्हें रिश्तों से बचना है, फंसने के चांसेस ज्यादा, अगर कुछ में निवेश करते हैं तो वो सोच समझ के करें और सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट्स में। और एक खुशी की बात यह है कि उन्हें फॉरेन टूर मिलेगा जिससे वो घूमने का मौका मिलेगा। तो मैम, ये तो हो गया 7, 16 एंड 25। नेक्स्ट हम जानेंगे 8 नंबर के बारे में। मैम, 8 नंबर का डिटेल हमें बताया। 8, 17 एंड 26। यस, आपके इस साल एजुकेशन के लिए आपके ब्राइट चांसेस है। यहाँ पे मैं बोलूंगी, अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो इस साल आप ट्राई कर लीजिए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपको फॉरेन कंट्रीज जाके जॉब करना है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगी। स्टॉक मार्केट में, करेंसी में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। यस, डेफिनेटली रिश्तों में, मतलब लाइक 8 नंबर के लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, शांत रहना पसंद करते हैं। इस साल कोशिश करिए रिश्तों में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्टॉक में, प्रॉपर्टी में, बैंक बैलेंस हम लोग इन्वेस्ट करते ही रहते हैं, बट जब आपके पास, जब पूछा जाता है कि आपके पास क्या है, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास काफी सारे रिलेशन है, मेरे पास काफी सारे मेरे हैप्पी क्लाइंट्स है, मेरे पास काफी फैमिली मेंबर्स है जिन्हें मैं क्लाइंट्स नहीं समझती, मैं मेरे फैमिली मेंबर, तो ये मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे लाइफ में है। उसे मेंटेन अगर आप कर सकते हो ना, तो इससे बेटर आपके लाइफ में 2022 में रिश्तों से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाती है, और वो आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा आपको ओपन अप होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उन लोगों के साथ बातें करनी पड़ेगी। तो आपके लिए डेफिनेटली आईटी सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप काम कर सकते हो और आईटी सेक्टर्स में भी आप काम कर सकते हो। तो इनके लिए है कि जिससे ये भी बचाए, है ना, क्योंकि ये तो कम बोलते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं। और इनके लिए एक फायदा है कि आईटी सेक्टर्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं या, और इन्हें फॉरेन कंट्री में भी जॉब मिलने के चांसेस है कि अगर ये उसमें भी जाना चाहे कि वहाँ जॉब करना चाहते तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो इनके लिए भी एक ब्राइट चांसेस है कि ये आगे बढ़ सकते हैं। ओके मैम, तो जी मैम, अब मुझे 9 नंबर के बारे में बताएं। यस, जिनकी बर्थ डेट है 9, 18 एंड यस डेफिनेटली यहाँ पे आता है 27 आरती। यस, जिन लोगों की बर्थ डेट है 9, 18 एंड 27, डेफिनेटली इनके लिए अगला साल बहुत अच्छा रहने वाला है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर से आने वाली है, पहले ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको जिस तरीके से ऑटोमोबाइल की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है ना, उस तरीके से आपकी खुद की ड्रीम कार भी, इसका पैसे जमाने आपको भी पड़ेंगे, सेविंग आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो आने वाले हैं, नो डाउट। आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं, बट उसे सेव कैसे होगी ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ेगा आपके फंड्स, आपको बहुत सारी जगह पे फंड्स जब आप डाइवर्सिफाई करोगे तो यस डेफिनेटली आपको वहां से ब्राइट अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करूंगी। पेपर स्टॉक बहुत अच्छे रहेंगे, एजुकेशनल स्टॉक में हम लोग उसे बोल सकते हैं, पेपर स्टॉक हो गया, स्टडी मटेरियल स्टॉक्स हो गया, एजुकेशनल स्टॉक हो गया, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद इस साल 2022 तक रहने वाले हैं। तो ये सब था 9, 18 और 27 के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स इनके लिए काफी मुनाफेदायक रहेगा, है ना मैम जी। तो नेक्स्ट हमें बताएं मैम, ये तो 9 तक कंप्लीट ही हो गया, 1 to 9 था जी मैम। तो मैम, सारे नंबर्स हमने कवर कर लिए, 1 से लेके 31 तक जिनकी भी बर्थडे आती है उनके लिए 2022 तक की दिवाली कैसे रहेगी और क्या छोटी छोटी टिप्स आपको फॉलो करनी है वो भी हमने बता दिया। तो मैम, यहाँ 27 हो गया, 28, 29 इनका कुछ आप बताएंगे? देखिए, 2, 11, 20 एंड 29 हो गया, 4, 13, 22 एंड 31 हो गया जी जी जी, ये कंप्लीट हो गया, 3, 12, 21, 30 हो गया जी
जी, तो सबके बारे में आपने बता दिया कि किन के लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं और उनके लिए क्या नुकसानदेह है उस पर वो ध्यान दे, इस पर बताया। मैम एक बात मैं पूछना चाहूंगी, मैम आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 जून है, तो डेफिनेटली मेरे लिए ये साल सेविंग करना बहुत जरूरी है, जैसे हमने 2, 11, 20 और 29 के लिए मिला है, क्योंकि मुझे भी खर्चे करने की बहुत आदत है, घूमने की बहुत आदत है। तो यस, इस साल मैं घूमने तो वाली हूँ, पैसे ज्यादा कमाऊंगी तो सेविंग भी कर लूंगी। हार्दिक आपका बर्थ डेट बता दो। मेरा मैम 30 अक्टूबर 30। 30, ओके, अमेजिंग साल रहने वाला है आपके लिए, पैसे आपके पास भी आने वाले हैं, स्टॉक मार्केट से, बिजनेस से, सब तरफ से आपकी हरियाली होने वाली है। जी ओके, थैंक यू मैम, और अगेन हैप्पी दिवाली आपको। आपने इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि बाय डेट ऑफ बर्थ, कि बाय डेट वो कैसे इन्वेस्ट करें, उन्हें किस सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा होगा, किस सेक्टर से उन्हें नुकसान हो सकता है निवेश करने से, आपने इन सब के बारे में बताया हमारे दर्शक गण को, उसके लिए आपको धन्यवाद मैम। हैप्पी दिवाली टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर अने, ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आज हमने देखा कि हम शीतल मैम से आज हमने बात की और हमने जाना निवेश के बारे में अकॉर्डिंग बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आज हमने देखा कि किस सेक्टर में निवेश करें, किस में मुनाफा है, किस में नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए हमने बोले शीतल मैम से बात की और एक अच्छे विषय पर हमने एक सीखा कि हाँ इन सब चीजों में निवेश करना हमारे लिए सही हो सकता है। तो इसके लिए देखते रहे टीवी 100 नेशनल। धन्यवाद।